हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द चित्रा साइंस हब आज का हमारा टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन सरफेस टेंशन के ऊपर टेम्परेचर का क्या इम्पैक्ट होता है मेस टेम्परेचर के घटने और बढ़ने का क्या इम्पैक्ट हो रहा है द सर्फेस टेंशन ऑफ लिक्विड्स जनरली डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर एंड बिकम जीरो एट द क्रिटिकल टेम्परेचर जो सर्फेस टेंशन होती है लिक्विड्स की जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वो हमारी क्या है घटनी शुरू हो जाती है क्यों घटनी शुरू हो जाती है चूँकि मॉलिक्यूल्स के आपके जो है आपका हाई टेम्परेचर पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अचीव कर लेते हैं तो इधर उधर मूव करना शुरू कर देते हैं आपका तो क्या है आपका अब चूंकि एक दूसरे से मूवमेंट बढ़ता है एक दूसरे से फार अपार्ट हो जाते हैं तो वो जो एक जो अनबैलेंस फोर्सेस है एक दूसरे को जो सरफेस के मॉलिक्यूल को आपका जो अंदर के मॉलिक्यूल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे वो चीज़ कम हो जाएगी तो इसलिए सर्फेस टेंशन कम हो जाएगी द डिक्रीज इन सर्फेस टेंशन विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इज ऑब्वियसली ड्यू टू द रफेक्ट दट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इक्रीजेज एंड देयर फॉर द इंटर मोलिकुलर अट्रैक्शन डिक्रीजेज तो मॉलिक्यूल के अंदर इंटर मोलिकुलर फोर्सेज घट जाएंगी क्यों चूँकि मॉलिक्यूल एक दूसरे से फार अपार्ट हो जाएंगे तो इसलिए जो बल्क के मॉलिक्यूल है वो सर्फेस मॉलिक्यूल को अपनी तरफ नहीं खींच पाएंगे तो इस वजह से टेम्परेचर बढ़ने से सरफेस टेंशन जो है हमारी घटनी शुरू हो जाती है अब एक रिलेशन है हमारा टेम्परेचर और सरफेस टेंशन के बीच में जिसे इक्वेशन हमने कहा यह है आपका गामा एमडी का होल्ड टू बाई थ्री के टी सी माइनस टी अमिन I टम्स mean, की क्या वैल्यू है एम क्या है मोलिकुलर मास लिक्विड का मोलिकुलर मास जिसकी हम सर्फेस टेंशन देख रहे हैं डी है डेंसिटी उस लिक्विड की एट टेम्परेचर टी डिग्री सेंटीग्रेड उसके किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कितनी डेंसिटी है वो डी है टी सी है हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर टी सी है क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ़ द लिक्विड गामा सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड और के क्या है हमारा कांस्टेंट है तो इसे हमने ऊपर की इक्वेशन को हमने क्या कहा इवटोस इक्वेशन ये हमारा क्या बता रही है आपका टेम्परेचर और सरफेस टेंशन के बीच का रिलेशन फर्दर जो है Round, uh, अब चूंकि सरफेस टेंशन वेनिश राउंड रफली सिक्स डिग्री अबाउ द क्रिटिकल टेम्परेचर राधर देन द क्रिटिकल टेम्परेचर अब सरफेस टेंशन जो है वो हमने कहा ना कि क्रिटिकल टेम्परेचर पे आकर जीरो हो जाती है लेकिन वो वेनिश होनी शुरू हो जाती है सिक्स डिग्री के करीब ही छह डिग्री के आसपास ही जो है आपका रफली छह डिग्री अबाव द क्रिटिकल क्रिटिकल टेम्परेचर से छह डिग्री ऊपर ही वो आपकी वेनिश होनी शुरू हो जाती है क्रिटिकल टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पाती तो रामशे और सेल्डन ने इस ऊपर वाली इक्वेशन में एक स्लाइटली उसने मॉडिफिकेशन किया बस एक फैक्टर माइनस सिक्स उसमें एड